हेलो फ्रेंड्स, 3 बज चुके हैं और भारतीय विद्या भवन का वेबिनार आपके साथ आ चुका है। आप लोगों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। तो उसके बाद आज का जो विषय है वो है व्हाट इज लाइफ विद एंड भवंस कॉलेज, जिंदगी बना दे, हाउ टू मेक अ लाइफ एट भवन कॉलेज। इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से और उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, सारे स्टूडेंट्स से कि वो लोग जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाएं। नमस्कार सभी को। भारतीय विद्या भवन के इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम लोग इस रंगमंच के कलाकार। सभी लोग जीवन यानी लाइफ को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। कोई कहता है जीवन एक खेल है, लाइफ इज अ गेम। कोई कहता है जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, लाइफ इज अ गिफ्ट। कोई कहता है जीवन एक यात्रा है, लाइफ इज अ जर्नी। कोई कहता है जीवन एक दौड़ है, लाइफ इज अ रेस, और बहुत कुछ। आखिर जिंदगी क्या है? जिंदगी कैसे बनती है? इन सभी सवालों को हल
करने के लिए आज हमारे साथ भवंस कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री दिलीप बाटकर सर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर जिंदगी है क्या? ठीक है। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि थोड़ा सा ऑफ बीट टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज लाइफ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग यार कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, भाई 15 इयर्स ऑफ आवर स्टडीज इन स्कूल एंड कॉलेज, उसके बाद भी हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये सब कुछ करते क्यों हैं, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो करियर कौन सा है, कौन सा को ज्वाइन करना है, वो तो चलो ऑफ कोर्स हमारे करियर काउंसलिंग का पार्ट है, लेकिन ये सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं, इसको समझना जो है बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज, जिसको हम लोग कहते हैं भाई एग्जैक्टली लाइफ क्या है। हम लोग कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी है, मैं ही तरीके से जीऊँगा, या मेरी जिंदगी सक्सेसफुल है, या मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा दुख दर्द है, पता नहीं हम लोग जिंदगी के बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि भाई एग्जैक्टली ये लाइफ क्या होता है। करियर से हट के हम लोग थोड़ा सा आज बात करेंगे, और मेरे ख्याल से हमारे करियर के चॉइस का जो फाउंडेशन है वो इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि जब हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली यार लाइफ क्या है, क्योंकि हम लोग करते ही लाइफ के लिए है। तो सिंपल अगर डेफिनेशन अगर हम लोग मान के चलते हैं तो लाइफ इज बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ। हम लोग जब पैदा होते हैं और जब हम लोग मर जाते हैं उसके बीच का जो टाइम पीरियड जो है इसको हम लोग कहते हैं लाइफ। अभी हमें समझना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली अगर ये लाइफ अगर है, कोई 100 साल जीता है, हम लोग कहते हैं कि लाइफ 100 साल की होती है लेकिन इतना कोई जीता नहीं है, 80 साल, 70 साल, मे बी 50 साल, कुछ लोग तो उसके पहले ही चले जाते हैं। और जब हम लोग इन बातों के ऊपर सोचना शुरू कर लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली अगर मुझे जिंदगी अगर जीनी है तो मुझे कैसे जीनी चाहिए, ये आज का हमारा विषय है। इवन दो भारतीय विद्या भवन का मेन कॉन्सेप्ट ही है कि भाई भवंस कॉलेज जिंदगी बना दे, ये हमारी पंचलाइन तो है, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आता है यार भारतीय विद्या भवन का जो भवंस कॉलेज है वो जिंदगी बनाता कैसे है, इसके ऊपर आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द ग्रोथ इन लाइफ, और जब हम लोग ग्रोथ की जब बात करते हैं मुख्य तौर पे वी जनरली सी अ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ इन अ लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल जब बच्चा पैदा होता है तो वो हार्डली भाई 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो का होगा, ऐसे ऐसे करके उसका वजन बढ़ जाता है और मे बी अराउंड एज ऑफ 18-20 वो फुल्ली ग्रोन हो जाता है। हम देख सकता है कि उसका वजन बढ़ रहा है, उसका शरीर का हाइट बढ़ रहा है, उसकी कद काठी बढ़ रही है, और हम लोग कहते हैं भाई बच्चा बढ़ रहा है, यानी कि दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ। और ग्रोथ क्या, इसको हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल ग्रोथ, क्योंकि जो फिजिकल बॉडी जो है हमारी ग्रो करती है और हम लोग उसको कहते हैं फिजिकल ग्रोथ। और फिजिकल ग्रोथ को अच्छा करने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, भाई बचपन में हमें एक अच्छा खाना खिलाया जाता है, टॉनिक दिया जाता है किसी तरह से, कि बिकॉज माँ बाप उसका ख्याल रखते हैं कि बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो जाए। बड़े होने का हम लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हम लोग स्कूल में भी कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, पर्पस क्या है कि दैट आपका जो है फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बाय द एज ऑफ अराउंड 18-20 यू गेट अ परफेक्टली ग्रोन अप बॉडी, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल ग्रोथ। बट एट द सेम टाइम आप जब देखते हैं कि भाई हम लोग भाई 2 साल का बच्चा होता है तो कुछ शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर लेता है, बोलना शुरू कर लेता है,
पहला वो बहुत बोबड़ा बोलता है यानी कि तोतला बोलता है, आगे जाके वो उसकी भाषा भी ठीक हो जाती है, स्कूल में जाता है, फिर वो अलग अलग विषयों को सीखता है, और जब वो स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज में जाता है, अगेन हायर एजुकेशन लेता है, और इन तमाम चीजों को लेकर होता क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं द मेंटल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ के बाद हमारा सेकेंड लेवल पे आता है, जिसको हम लोग कहते हैं द मेंटल ग्रोथ, मीन्स बौद्धिक उन्नति। और बौद्धिक उन्नति पहली है हमारी शारीरिक उन्नति, जहाँ पे शरीर बढ़ता है, दूसरी है हमारी बौद्धिक उन्नति, जहाँ पे हमारा जो है दिमाग यानी कि हमारी बुद्धि बढ़ती है, और पहले हमें नॉलेज नहीं होता है, बाद में हमें नॉलेज आ जाता है, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पता नहीं किस किस चीज का, इन तमाम इंफॉर्मेशन को लेकर हम लोग ग्रो करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं द मेंटल ग्रोथ। स्कूल में कुछ पढ़ाई होती है, उसके बाद थोड़ी सी हायर लेवल की कॉलेज में पढ़ाई हो जाती है, और जब हमारी तकरीबन मेंटल ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम लोग जॉब कर लेते हैं, और जॉब जाने के बाद जॉब करने का पर्पस क्या होता है, हमें 2 पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने के बाद उस पैसे को खर्च करना है, दैट्स अ रियल लाइफ। तो फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ के बाद जो थर्ड लेवल पे आता है, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक उन्नति। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि भाई जहां तक पॉसिबल है हम लोग एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, हम लोग जॉब पकड़ते हैं, हर महीना हमें तनख्वाह मिलती है, या हम लोग बिजनेस शुरू कर लेते हैं, कुछ कमाई हो जाती है, उस कमाई को फिर हम लोग शुरू शुरू में जोड़ते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हैं, घर में जो जो सुख सुविधा की चीजें चाहिए वो सब कुछ हम लोग खरीदते हैं, और जब आगे जाकर हमारे घर में सब कुछ लग गया तो हम लोग बचत करना शुरू करते हैं, सेविंग करना शुरू कर लेते हैं। पहले हम लोग बचत करते हैं अपने लिए, फिर अपने परिवार के लिए, फिर अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन ये सिलसिला चलते रहता है, एंड वी गेट सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी इन अवर बैंक या हमारी प्रॉपर्टी, और हम लोग सोचते हैं कि भाई चलो मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, मकान बनाया है, बैंक बैलेंस मेरी अच्छी है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी कुछ खालीपन हमारे अंदर लगता है। तो हमारी जो पहली जो ग्रोथ है फिजिकल ग्रोथ, उसके बाद आ जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं भाई इकोनॉमिकल ग्रोथ, सॉरी द मेंटल ग्रोथ, और मेंटल ग्रोथ के बाद हमारा आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ। तकरीबन हम लोग सब लोग जो है ना यहाँ पे आके रुक जाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद हम लोग सोचना बंद कर देते हैं, लेकिन जब आप 40-50 साल के हो जाते हैं तब आपकी एक आंखें खुलती है, मैं कल क्यों रहा ये सब कुछ, आखिर अच्छा खासा पैसा है, अच्छी फैमिली है, अच्छा बैंक बैलेंस है, फिर भी क्या ये खालीपन मुझे महसूस हो रहा है, ये क्या खालीपन है। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि दैट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द पर्पज, और जब तक आपके आंखों के सामने पर्पस ऑफ लाइफ नहीं आता है, जब तक आपके आंखों के सामने पर्पस ऑफ लाइफ नहीं आता है, तब तक कुछ अजीब सा खालीपन जो है आपको। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि भाई जो लास्ट लेवल पे आता है, जिसको हम लोग कहते हैं द स्पिरिचुअल ग्रोथ, द स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब होता है कि भाई टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ अ लाइफ, टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लाइफ, और जहां तक पॉसिबल है कि भाई टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ अ लाइफ, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है। एक समय था कि भाई हम लोग माँ बाप से कुछ सीखते थे, और शिक्षा पद्धति भी ऐसी थी कि भाई वो आपको बता देते थे कि आप तुम क्यों सीख रहे हो, किस लिए सीख रहे हो, लेकिन आज वैसे सिस्टम नहीं रही है। सो दैट इज द रीजन हम लोग कहते हैं कि भाई आमतौर पे ये जो चीज है व्हाट इज कॉल्ड एज अ कि जो स्पिरिचुअल ग्रोथ वो रह ही जाती है। वापस आ जाते हैं हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो लाइफ आपकी आंखों के सामने है, जिसको आपको जीना है बर्थ से लेकर डेथ तक,
इस लाइफ को भी हम लोग जो है आमतौर पे तीन हिस्से में डिवाइड करते हैं। कैसे तीन हिस्से में डिवाइड करते हैं? एक को हम लोग कहते हैं द पर्सनल लाइफ, दूसरे को हम लोग कहते हैं द फैमिली लाइफ, और तीसरे को हम लोग कहते हैं व्हाट इज कॉल्ड द बिजनेस लाइफ। वापस आते हैं पर्सनल लाइफ। देखो, मैं पैदा हुआ हूं, मैं मरूंगा, मेरे लाइफ का कोई पर्पस है? भगवान ने या जो भी गॉड आप मानते हो, उसने आपको एक काम करने के लिए यहाँ पे भेजा है। वो काम मैंने कितना किया या नहीं किया, क्या उसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं है? तो आमतौर पे पर्सनल लाइफ में आपके अंदर क्वेश्चन जरूर आते हैं, जब आप अकेले होते हो, जब आप किसी के साथ नहीं है। जब आप किसी के साथ नहीं हो, आप अपने आप के साथ हो, और जब अपने आप के साथ जब आप रहते हो, तो कुछ सवाल आपके दिमाग में आते जरूर है। या मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, लोग मुझे क्यों नहीं समझते हैं, या मैं लोगों को क्यों नहीं समझता हूं, आखिर मैं जिंदगी में चाहता क्या हूं? अगर वाकई में अगर जो मैं चाहता हूं क्या मुझे मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा, क्या मैं प्रयास नहीं कर रहा हूं, या लोग मुझे उसकी तरफ बढ़ने नहीं देते हैं? ऐसे कई सारे सवाल जो हमें अपने आप से जब पूछते हैं, और उस दौरान हमें जो जवाब मिलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वी आर बेसिकली कनेक्टेड विद द पर्सनल लाइफ। और पर्सनल लाइफ के साथ हमें कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, जो कि आज के डेट पे जहाँ पे भाई सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग पर्सनल अपने आप से कटते जा रहे कटते जा रहे। दूसरे लेवल पे आता है जिसको हम लोग कहते हैं फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ कि भाई मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, इसके बारे में तो हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं। उनके सुख दुख के बारे में सोचते हैं, उनकी परेशानियां हमारी परेशानियां होती है, हमारी परेशानियां हम उनके साथ शेयर करते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर जो हम लोग बाकी लोगों को, परिवार को जब सुख समृद्धि देने की कोशिश करते हैं, वे बेसिकली वर्किंग ऑन व्हाट इज कॉल्ड द फैमिली लाइफ। और फैमिली लाइफ के बारे में तो बहुत लोग सोचते हैं, सोचना तो जरूरी है। हम लोग नहीं सोचेंगे हमारे बीवी बच्चों के बारे में तो कौन सोचेगा? तो फैमिली लाइफ ये हमारी सेकेंड लेवल पे आता है। जितनी पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, उतनी फैमिली लाइफ भी जरूरी है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फैमिली लाइफ के बाद नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं द बिजनेस लाइफ, जिसको आमतौर पे आप करियर कहते हैं। मीन्स किस जरिए मैं पैसे कमाऊंगा, धन दौलत कमाऊंगा, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए। मैं नौकरी करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं मैनेजर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं सीईओ बनूंगा। ये सब कुछ होता है जिसको कहते हैं हम लोग हमारा करियर, यानी कि बिजनेस लाइफ। तो आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग बिजनेस लाइफ, यानी कि जब मैं 8 घंटे की जॉब करता हूँ, तो मैं बिजनेस लाइफ के साथ हूँ। जब मैं घर में परिवार के साथ बैठा हूँ, तो मैं फैमिली लाइफ के साथ हूँ। और जब मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, अकेले में, एकांत में, तो मैं पर्सनल लाइफ के साथ हूँ। और इन तीनों ही लाइफ के अंदर जो है कि भाई एक बैलेंस क्रिएट करके हमें आगे बढ़ना, इसी को हम लोग लाइफ कहते हैं। तो क्या हम लोग लाइफ को इतने गहराई से क्या समझते हैं? क्या हम लोग अपने लाइफ को इस लेवल पे जाके सोचते हैं? यही चीज मैं आपके सामने यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल इट इज अ लाइफ। तो लाइफ के बाद विशाल दा, अभी आप आगे पूछें क्या समझना है। सर, बहुत सही बात आपने लाइफ को जिस तरीके से पूरे चक्र को आपने समझाया, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में, आपकी हर चीज में बहुत मायने रखती हैं। सर, भवन का जो एक मोटो है रहा है, भवन कॉलेज जिंदगी बना दी, तो आखिर ये जिंदगी बनाई कैसे जाती है? इस पर आप अपनी राय दें सर। ठीक है, तो हमने तो देख लिया कि बिकॉज लाइफ
लाइफ है, फैमिली लाइफ है, बिजनेस लाइफ है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि भाई जब आज का अगर हम लोग एजुकेशन को अगर देखते हैं, एजुकेशन को अगर देखते हैं, तो आज का एजुकेशन मैक्सिमम जो फोकस करता है वो सिर्फ बिजनेस लाइफ के ऊपर फोकस करता है। मीन्स आपको क्या ट्रेड आप जो चूज करते हैं, आपको इंजीनियर बनना है इंजीनियर बना देते हैं, आपको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बना देते हैं, आपको मैनेजर बनना है मैनेजर बना देते हैं। लेकिन स्कूल या कॉलेज के दौरान वो आपको ये नहीं बताते हैं कि भाई आपके पर्सनल लाइफ को कैसे डेवलप करना है, अपनी फैमिली लाइफ को कैसे डेवलप करना है। जब हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे भवंस कॉलेज के अंदर कि भाई इट इज नॉट ओनली द बिजनेस लाइफ व्हाट इज कॉल्ड द करियर, वी ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ कॉल्ड द फैमिली लाइफ एंड द पर्सनल लाइफ। आज का एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या गलत है, मैं इसके ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, लेकिन जब तक इस चीज को हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक भेड़ चाल है भाई, जो सब लोग जा रहे हैं हम भी वहीं पे जा रहे हैं। हम पूछते हैं कि भाई किस में पैसा ज्यादा है, किस में जल्दी से नौकरी मिल जाती है, किस में फॉरेन में जाने का चांस है, ऐसे एक सीरी क्वेश्चंस को पूछ के हम लोग करियर को चूज करते हैं। मेरे दोस्तों ने एडमिशन लिया उसी कॉलेज में, मैंने भी लिया, कुछ नहीं सोचा कुछ नहीं समझा। तो अगर वाकई में अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम का मैं एक बहुत ही कि बिकॉज मिरर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम आज का जो है, एक मैं यहाँ पे जो न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है आप इसको देखिए अच्छी तरह से देख लीजिएगा इसको। इसमें लिखा है कि देखो 3,700 पीएचडी होल्डर्स अप्लाई फॉर द मैसेंजर्स जॉब इन यूपी, चपरासी बनने के लिए उतावले है पीएचडी। यहाँ मुझे बताओ कि बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है, लोग भाई एजुकेशन लेते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज की पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी तक एजुकेशन लिया, और कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि ऐसा जॉब चपरासी का कि जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 5 है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये विडंबना है। यहाँ पे अच्छी तरह से उन्होंने नंबर्स लिखे हैं कि भाई ये जो एप्लीकेशन जो थे कि भाई जिसके अंदर अराउंड 700 पोस्ट थे, और उसके लिए कि भाई 55,000 ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया है, 38,000 जो है पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया है, और पीएचडी होल्डर्स उसके अंदर जो है 3,700 है। ना यू कैन इमेजिन यहाँ हो क्या रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि हमारा आज का जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो कुछ हद तक जो है बच्चों को ये नहीं बताता है, स्टूडेंट को ये नहीं बताता है कि भाई उसके पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो एजुकेशन किस लिए ले रहा है इसका कोई जवाब ही नहीं है। दैट इज द रीजन हम लोग कहते हैं कि भाई हाउ एग्जैक्टली कि भाई जो पीएचडी के स्टूडेंट अगर चपरासी के पोस्ट के लिए अप्लाई अगर कर रहे हैं कि भाई, अगर हमें अभी पता होना चाहिए कि अगर एक जो एजुकेटेड पर्सन जो है जो एजुकेशन ले रहा है उसी समय अगर उसे पता चले कि भाई मैं एग्जैक्टली लाइफ के अंदर क्या ढूंढ रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी जॉब मुझे करनी चाहिए कौन सी जॉब मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे अगर पैसा कमाना है तो पैसा कमाने का तरीका क्या है, जब तक ये चीजें हमें क्लियर नहीं होती है तब तक एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आपने मुझे पूछा कि बिकॉज भवंस कॉलेज क्या करता है, तो भवंस कॉलेज का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा, वो ये है कि देखो कि भाई भवंस कॉलेज की जो आइडियोलॉजी है हमारे के एम मुंशी जी ने दी, क्योंकि मुंशी जी ने मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि भाई शिक्षा और विद्या में क्या फर्क है।
शिक्षा वो है जो हमारे शरीर के साथ है और हमारे शरीर के साथ खत्म हो जाएगी, और विद्या वो है कि जो हमारे आत्मा के अंदर आत्मसात हो जाती है और हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ संस्कार बन के आगे चली जाएगी, अगले जन्म में भी वो काम आएगी। विद्या, भारतीय विद्या भवन, इसका मतलब ही है हम लोग विद्या को प्रमोट करते हैं। और तकरीबन सारे के सारे शिक्षा संस्थान जो है वो सब कुछ शिक्षा को प्रमोट करते हैं। तो विद्या क्या है? तो यहाँ पे वापस मैं एक दूसरे प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता हूँ कि जो हमारे के मुंशी जी ने ही बताया है। तो उन्होंने, के मुंशी जी ने बताया है कि जिसको हम लोग कहते हैं द भारतीय शिक्षा, जो भारतीय शिक्षा में क्या होना चाहिए, ये बहुत पहले मुंशी जी ने बता दिया हमको। और मुंशी जी ने बताया कि देखो कि भाई सबसे पहले जरूरी है कि दैट टीचर शुड अडॉप्ट अ गुरु एटीट्यूड, टीचर शुड एक्ट लाइक अ गुरु। टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई आज मैंने क्लास ली, 6 घंटे की मैंने ड्यूटी कंप्लीट करी और महीने के आखिर में मैंने तनख्वाह ले ली स्टूडेंट की ऐसी की तैसी। नो, गुरु का मतलब ये है स्टूडेंट के वो अंदर इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है, उनकी छोटी 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 चीजों को सुनता है और उसको हर लेवल पे गाइड करता है कि भी क्या सही है क्या गलत है, तुम्हारी गलती कहाँ पे है, आगे वाले की गलती कहाँ पे है, दुनिया को हमें किस नजर से देखना चाहिए, बहुत सी चीजें इसके अंदर आती है। सो अनलेस द टीचर एक्ट्स लाइक अ गुरु, हमें विद्या नहीं मिलेगी। हम लोग शिक्षा तो देंगे, विद्या नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा उसको आत्मसात नहीं कर पाएगा। और दूसरा उन्होंने बताया कि अडॉप्शन ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ शिष्य एटीट्यूड, मीन स्टूडेंट जो है अपने आप को शिष्य समझ के स्कूल में आए, और जब तक वो अपने आप को ये गुरु है और मैं शिष्य हूं, अगर ये धारणा अगर जब तक उसके दिल में नहीं है तब तक वो किसी तरह से विद्या को तो हासिल नहीं कर पाएगा। किसी भी तरह से वो बिजनेस लाइफ को तो डेवलप करेगा, पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ के बारे में वो नहीं पता चलेगा। तो दैट इज द हम लोग कहते हैं सबसे पहले एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। और जब आप बच्चे यहाँ पे जब पढ़ने आते हैं, हम लोग पहले जो 1-2 महीने जो होते हैं बिगिनिंग में, हम लोग उनको इतना ज्यादा प्यार करते हैं ताकि उन्हें पता चलता है कि दिस इज नॉट जस्ट अ टीचर हु इज टीचिंग मी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ही इज मोर देन दैट, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई मेंटर, ही इज माई वेल विशर, ही इज माई गुरु। ये बच्चे सोचते हैं। और एग्जैक्टली कई बार हम लोग हमारे दिल से दिमाग से बात भी आते, कोई पूछता है मुझे कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, तो मैं कह देता हूँ कि भाई इस साल जो है मेरे 190 बच्चे हैं। फिर बाद में कहा ये तो ये तो घर के बच्चे पूछ रहा है। तो दैट इज द रीजन कि भाई हमारे अपने बच्चे और जो हमारे स्कूल के बच्चे, इसके अंदर हम लोग कोई फर्क नहीं करते हैं। दैट इज वॉट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड फ्रॉम द एवरी टीचर, ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ एज अ गुरु, और ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं भारतीय विद्या भवन के अंदर हम लोग जो ये जो कॉन्सेप्ट जो एक प्रमोट करते हैं कि दैट एवरी स्टूडेंट इज अ शिष्य एंड एवरी टीचर इज अ गुरु। तो जहां तक पॉसिबल मैं आपको कहता हूँ बिजनेस लाइफ को डेवलप करने के लिए हमारे पास जो है 20 अलग अलग कोर्सेस है। आप किसी भी कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, उस लाइन में आपको नौकरी मिलेगी और आपका जो है बिजनेस लाइफ डेवलप हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द पर्सनल लाइफ एंड द फैमिली लाइफ? हमने उसके लिए कुछ कोर्सेस रखे हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई दैट वी हैव गॉट से एक कोर्स है व्हाट इज कॉल्ड एज अ होम मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होम मैनेजमेंट। आप कहोगे कि यार ये क्या चीज है, किसको चाहिए कि भाई हमने भाई कुछ हद तक हम लोग पर्सनल मैनेजमेंट सीखते हैं, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीखते हैं, होम मैनेजमेंट क्या करने की है, वो तो घर तो ऐसे ही चलता है। जहां तक पॉसिबल मैं आपको क्या होता है कि भाई होम मैनेजमेंट के अंदर हमारे जो रिसोर्सेस जो है, हमारे जो कुछ हद तक जो पर्सनालिटीज वहाँ पे जो अवेलेबल है, भाई मैं खुद हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी मम्मी डैडी है, ये जो सारे के सारे जो फैमिली मेंबर्स हमारे जो है
वो ह्यूमन रिसोर्सेस है हमारे, जो मेरी कमाई है, इनकम है, वो मेरी इकोनॉमिक रिसोर्सेस जो है, एट द सेम टाइम हम लोग कई सारी मुश्किलों का सामना करते हैं, कई सारे इवेंट्स को भी हम लोग एंजॉय करते हैं। इन तमाम चीजों को मैनेज करने का तरीका होम मैनेजमेंट। मैं आपको कहता हूँ भी हर इंसान को, भले वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, हाईली प्रोफेशनल है, पीएचडी है, जो भी है, लेकिन जब तक वो होम मैनेजमेंट के बारे में नहीं सोचता है, नहीं सीखता है, वो सब कुछ कामयाब तो हो जाएगा बिजनेस लेवल पे, लेकिन पर्सनल लेवल पे फेल हो जाएगा, फैमिली लेवल पे भी फेल हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन हम लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कोर्स हमने डिजाइन किया है जिसको हम लोग कहते हैं द होम मैनेजमेंट। और होम मैनेजमेंट को एग्जैक्टली होम को कैसे मैनेज करना है, हम कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोग कैसे काम करेंगे, इसके ऊपर जो 1 साल का कोर्स है, और ये कोई भी कर सकता है। उसके बाद हमारे दो और कोर्सेस है, एक का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं द डिप्लोमा इन स्मार्ट लाइफ। देखो क्या होता है कि बिकॉज हम लोग एजुकेशन तो ले लेते हैं, हमें डिग्री भी मिल जाती है, उसके अंदर डिस्टिंक्शन भी मिल जाती है, लेकिन इंटरव्यू में जाते हैं जॉब करने के लिए तो फेल हो जाते हैं। जब बिजनेस के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो रीजन क्या है? रीजन है स्मार्टनेस नहीं है, प्रेजेंटेबिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, एग्जैक्टली सामने वाले की साइकोलॉजी पता नहीं है। इन तमाम चीजों को अगर हमें समझना है तो दैट्स रीजन कि भी हम ने एक कोर्स डिजाइन किया कॉल्ड स्मार्ट लाइफ। स्मार्ट लाइफ कोर्स ही है कि 1 साल में हम आपको बिल्कुल एक पर्सनालिटी को 100% चेंज कर देते हैं। हम लोग आमतौर पर कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब है आपके अंदर कुछ स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ को पहचानो, उसको मल्टीप्लाई करो। आपके अंदर कुछ वीकनेसेस है, उस वीकनेसेस को पहचानो, उसको एलिमिनेट करो। आपके अंदर कुछ थ्रेट्स है, बिकॉज कुछ हद तक कुछ करने के लिए मैं डरता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग भाई उनको पहचानो। भाई जब हम लोग मुंह नहीं खोलते हैं, जब तक हम लोग सामने वाले के क्वेश्चन को अच्छी तरह से एनालाइज नहीं करते, और उसी तरह से जिंदगी हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है, जब अपॉर्चुनिटी हमारे आंखों के सामने है, हम उसको नहीं पहचानते हैं, तो अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचानेंगे? जो स्वॉट एनालिसिस हम लोग हर घड़ी करते हैं, हर छोटे छोटे डिसीजन में भी ये स्वॉट एनालिसिस होता है, ये कैसे करते हैं एंड हाउ वी इंप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इन अवर लाइफ इज द स्मार्ट लाइफ। आप स्टेज के ऊपर काम करते हो, आपके जो हॉबीज है, पर्सनल हॉबीज है, उसको हम लोग प्रोफेशन में चेंज कर लेते हैं। तकरीबन जो भी हम लोग करते हैं स्मार्टली करते हैं। और ये जो टोटल जो कोर्स जो है, कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप 12th हो, ग्रेजुएट हो, या आप 40 साल के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर स्मार्टनेस नहीं है, देयर इज समथिंग लैकिंग इनसाइड मी, देन यू कम एंड डू दिस पर्टिकुलर कोर्स द स्मार्ट लाइफ। बहुत ही बढ़िया है। तो ये हमने बनाया है व्हाट इज कॉल्ड इसलिए आपकी पर्सनल लाइफ को डेवलप करने के लिए। और ये कोर्स है हमारा 1 साल का डिप्लोमा इन अ लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। इसके बारे में आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको कहता हूँ, हम लोग कई बार कहते हैं, जितने भी मेरे क्लास में लाइफ मैनेजमेंट की क्लास के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो 40-50+ है, तो पता चलता है कि भाई अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई लाइफ क्या है, और लाइफ मैनेजमेंट की कोर्स ज्वाइन की है। ऑफकोर्स यंगस्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, और हम लोग जितने जल्दी लाइफ को समझना शुरू करते हैं, उतने जल्दी जो है हम लोग लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप लाइफ को नहीं समझेंगे, एजुकेशन तो लोगे, यूनिवर्सिटी में पीएचडी तक जाओगे, और ये चपरासी की नौकरी ढूंढोगे, सेम। तो दैट्स इज हम लोग कहते हैं कि भाई भवंस कॉलेज के अंदर हमने इस तरह से एजुकेशन को संजोया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने 12th पास किया, अभी आपको करियर भी बनाना है, आपको लाइफ भी बनाना है, तो बेस्ट हमने जो सॉल्यूशन आपको जो दिया है वो ये है, आप स्कूल के बाद 3 साल पढ़ते हो, तो 3 साल ग्रेजुएशन नॉर्मल कॉलेज से करने के बजाय
आप 3 साल ग्रेजुएशन डिस्टेंस एजुकेशन से करो, डी ओपन स्कूल ज्वाइन करो, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, कहीं से भी आप ग्रेजुएशन करो, और वो जो 3 साल जो है भवन के अंदर 3 अलग अलग कोर्सेज 3 साल में करो। पहले साल आप कोर्स करो बिजनेस लाइफ को डेवलप करने के लिए, अपने करियर को फाइनल करने के लिए। दूसरे साल आप कोर्स करो आपके जो पर्सनल लाइफ को डेवलप करने के लिए या फैमिली लाइफ को डेवलप करने के लिए, लाइक होम मैनेजमेंट एंड स्मार्ट लाइफ। और तीसरे साल आप चाहे तो एक एडिशनल करियर ले सकते हो, भाई मैं ऑलरेडी फैशन डिजाइनिंग कर रहा हूँ, साथ में अगले साल मैंने जो है टीवी प्रेजेंटेशन का कोर्स कर लिया, नॉलेज कहीं जाता नहीं है। ये जो कैपेबिलिटी आपके बढ़ते ही जाते हैं, एंड वेन एवर यू से दैट यू आर अ मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी, आपके अंदर बहुत कुछ क्वालिटीज है, तब जाके जो है इंडस्ट्री वाले आपको एंटरटेन भी करेंगे, आपको ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। एंड ग्रोथ तो सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, ग्रोथ आपके तीनों ही फोल्ड में आप ग्रो करते हो। दैट इज वॉट एग्जैक्टली वी से दैट भवंस कॉलेज जिंदगी बना दे। और एक चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा, जैसे मैंने कहा कि लाइफ का मतलब है बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम है, बी से लेकर डी तक, और बी और डी के बीच में एक अल्फाबेट आता है जिसको हम लोग कहते हैं सी। सी का मतलब होता है चॉइस, चॉइसेस इन योर लाइफ। बर्थ से लेकर डेथ तक जितने भी चॉइसेस हमारे पास होते हैं, उस चॉइसेस को अगर हम लोग सही चॉइस अगर लेते हैं तो हमारी लाइफ जो है सही डायरेक्शन में जाएगी। सो द बिटवीन द बी एंड डी देयर इज अ सी, दैट इज द चॉइस। नाउ इट्स योर चॉइस कि भी आप क्या करते हो, कौन सा कोर्स करना चाहते हो, किस तरह से लाइफ को आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, ये सब कुछ आपका अपना चॉइस है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। दिस इज द वे द भवंस कॉलेज जिंदगी बना दे। थैंक यू। सर, आपने जिंदगी का मकसद और जिंदगी को किस तरीके से भवन एक कन्वर्ट करता है इसके बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें ये समय दिया और इस बहुत ही गंभीर विषय पे आपने बहुत सरलता के साथ ये बात को रखा। और मुझे आशा है कि आज जितने भी लोग सुन रहे हैं और जितने भी लोग इसको बाद में देखेंगे, उनको समझ में आएगी कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो लाइफ को आगे बढ़ाना, अच्छी तरीके से बढ़ाना, ये कितना जरूरी है। आज के लिए सब बस इतना ही, कल वापस 3 बजे हम लोग मिलेंगे। कल का विषय है हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एनी प्रोफेशन। और कुछ लोगों ने पूछा है कि ये लाइव सेशन के जो रिकॉर्डिंग है, ये सारी लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग भारतीय विद्या भवन के जो फेसबुक पेज है उस पर भी अवेलेबल है, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी अनुरोध रहेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि वहां पर जाएं और उसको देखें। अगर किसी को भवन में जितने भी कोर्सेस सर ने ये बताए हैं इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो हमारी वेबसाइट www.bvbfts.com या www.bvbdelhi.org पर जा सकते हैं। हमारे दिए हुए फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं, 8744005005 या 8745005005 पे। आशा करते हैं आज का वेबिनार आपको पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।